हरियाणा में प्रॉपर्टी सर्वे का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया है। दरअसल विभाग के मंत्री कमल गुप्ता ने जब बुधवार को चंडीगढ़ में मेयर्स कमिश्नर्स और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर्स की मीटिंग ली तो हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने मंत्री जी के सामने अपनी आपत्ति जाहिर की कि लगातार शिकायतें देने पर भी जब नगर निगम हाउस ने सर्वे करने वाली कंपनी की पेमेंट रोकने के प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजे थे, सरकार ने फिर भी कंपनी को पेमेंट क्यों कर दी। ये मसला सामने आने के बाद कई संगठन मंत्री और सरकार से सवाल कर रहे हैं। ऐसा है, ये लोग नौ सिखिए लोग हैं, लोकतंत्र के ऊपर इनका विश्वास है नहीं। निकाय प्रणाली जो निकाय नगर निगम होती है खुद में स्वायत्त बॉडी होती है और वो वहां की सरकार होती है और वहां के हाउस में जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वो मान्य होते हैं, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने ये कह करके पल्ला झाड़ दिया था ग्रांट देने के लिए भी, सभी नगर निगम अपनी आय खुद बढ़ाएंगी, खुद अपना टैक्स इकट्ठा करेंगे और खुद अपनी इनकम चलाएंगी। जब हमारे शहर का पैसा है नगर निगम इकट्ठा करती है, उसका हाउस ही जिम्मेवार है, तो कमल गुप्ता मंत्री होने के नाते किस अधिकार क्षेत्र से इन तो सारे प्रस्ताव को दता बता करके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ये तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक संकेत है और ये तो बिल्ली थाले से बाहर आ गई। भी कमल गुप्ता बताएं उनका किस कंपनी के साथ क्या डायरेक्ट इंटरेस्ट है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में पिछले 1.5 साल से प्रॉपर्टी आईडी और हाउस टैक्स के नाम पर किए गए सर्वे में लाखों लोगों को बिना वजह महीनों भटकना पड़ा, धरने प्रदर्शन करने पड़े। खुद बीजेपी के कई मेयर 80% तक सर्वे में गलतियों की भरमार की शिकायतें सरकार को भेजते रहे, फिर भी सर्वे कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने या पेनल्टी डालने के बजाय उस पर ये मेहरबानी किस लिए होती रही। इस मामले में बीजेपी के एक निगम पार्षद, बिल्कुल आपका सही है, लेकिन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं खुद उदाहरण दे सकता हूँ। अभी प्रॉपर्टी आईडी का है और आप बेशक ये प्रूफ के साथ है मेरे पास, मैं कागज़ हमेशा साथ रखता हूँ कि ये खुद जो फाइल है ये आप फोटो ले लें, ये संजीव दैया की फाइल है, 2000 मेरी खुद की पर्सनल फाइल है 2021 की। अभी मैं यही लड़ रहा था इनसे, ये 2021 की फाइल है कि मेरे खुद की आईडी है 600 गज की। मैं कह रहा हूँ भाई मैं 600 गज का नहीं 250 गज का मालिक हूँ। ये फाइल तो आपने तब भी दिखाई थी जब रिजाइन किया, ये तब भी फाइल थी, इसी पे रिजाइन किया था, हुआ आज भी नहीं, आखिर में मैंने दोबारा उठानी पड़गी। प्रॉपर्टी आईडी और हाउस सर्वे मामले में कुछ भुक्त भोगियों ने टोटल न्यूज से बातचीत में दावा किया कि प्रॉपर्टी आईडी और सर्वे में गलतियों की भरमार को ठीक करवाने के लिए पूरे प्रदेश में दलालों का सहारा लेना पड़ा, करोड़ों की रिश्वत दी गई, इस खेल में दलाल अफसर और निगम कर्मचारी शामिल रहे, इसलिए सरकार की छवि भी खराब हुई, पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए क्योंकि ये अंदर की बात है। पूर्व की सरकारों में सीएलयू का खेल होता था और इस सरकार में लगता है कि नगर निगम भ्रष्टाचार के अड्डे बनते जा रहे हैं और ये हो ही नहीं सकता कि बड़े किसी दबाव के बड़े किसी सह के इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भ्रष्टाचार कर जाएं और जो नगर निगम के मेयर हैं जो ईमानदार हैं वो तो खुल के बोल रहे हैं या बोलेंगे या पार्षद बोल रहे हैं बोलेंगे, ज्यादातर पार्षद और मेयर भी इनके साथ इन्वॉल्व है। गौरतलब है कि युद्धों का मैदान रहे पानीपत में करीब 4 महीने पहले आए स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पानीपत के निगम पार्षदों और अफसरों की रेस्ट हाउस में एक बैठक ली थी। मीटिंग में निगम पार्षदों ने शिकायत की तो मंत्री जी खुलकर सुनने को तैयार नहीं थे। तब आधा दर्जन बीजेपी के पार्षद मीटिंग से उठकर बाहर आ गए। यानी सर्वे कंपनी याशी पर इतनी मेहरबानी आखिर क्यों, वो भी जनता के हितों की अनदेखी कर। अब 20 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है। वैसे जनहित और सुविधा से जुड़ा ये मुद्दा चुनाव में सरकार और पार्टी को परेशान भी कर सकता है, लगता तो यही है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।